कैसा दुष्ट खेल खेला, रोमांच और रहस्य। जॉन फ्रॉस्ट ने आंसू भरी आंखों से गिरते हुए आंसू की तरफ ध्यान न देते हुए चिट्ठी लिखनी समाप्त की। उसके खंडित दिल पर जो घाव था उसमें से निराशा और दर्द का प्रवाह निरंतर जारी था। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और मेज पर रखी हुई चीजों को देखने लगा। उस मेज पर लॉरा के द्वारा छोड़ी हुई उसके विवाह की अंगूठी थी। कितनी निर्दयता से वो उस अंगूठी को वहीं उतारकर मेज पर रखकर हमेशा के लिए जॉन फ्रॉस्ट के घर से चली गई थी। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक गरीब लेखक था और 10 वर्षों के विवाह में वो उसकी सभी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया था। लॉरा के बड़े बड़े सपने थे और वो अमीरों की तरह जीना चाहती थी, पर जॉन फ्रॉस्ट बेचारा कहानियां लिखकर इतने पैसे तो हर महीने कमा लेता था कि वो लॉरा को कार, घर, खाना, कपड़े सब दे देता था। पर उसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही जा रही थी और इस दौरान उसकी मुलाकात एक अमीर मर्द से भी हो गई थी। जॉन फ्रॉस्ट ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी उस अंगूठी के नीचे रख दी। मेज पर तब भी फूलों का गुलदस्ता और शैंपेन की बोतल पड़े थे जो वो पिछली रात को लॉरा के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए लाया था, पर घर में आते ही उसको मेज पर लॉरा की अंगूठी दिखी थी। चिट्ठी को अंगूठी के नीचे रखने के बाद उसने कुर्सी को कमरे के बीचों बीच पंखे के नीचे रखा और फिर सीडी प्लेयर पर एक गीत बजा दिया। उसने दीवार पर लटक रही अपनी और लॉरा की फोटो को देखा। कमरे में गायक क्रिस इसाक की आवाज गूंजने लगी। गीत बहुत ही दुखी था। तुमने कितना बुरा खेल खेला मेरे साथ। वो कुर्सी पर खड़ा हो गया और पंखे से लटक रहा रस्सी का फंदा अपने गले में डालकर कुर्सी को पांव से दूर धकेल दिया। वो लटक रहा था और गीत बज रहा था। जॉन की सांस रुकते ही दरवाजा धड़ाम से खुला और फटे कपड़ों में बिखरे बाल और आंखों में आंसू और चेहरे पर खरोंचों के निशान लिए लॉरा कमरे में दाखिल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।